क्या बाल्बी रिटर्न्स वापस आएगा? क्या बाल्बी रिटर्न्स का सीजन 3 अपनी नई स्टोरी लाइन के साथ आएगा? क्या सीजन 3 में नई कास्ट एंड क्रू एक्टर्स देखने को मिलेंगे? क्या देव जोशी हमें बालवीर में देखने को मिलेंगे? इसी तरह के तमाम क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हियर वी गो। वेल, सबसे पहला क्वेश्चन जो बालवीर रिटर्न्स के फैंस के मन में आएगा वो ये है कि क्या सच में बालवीर रिटर्न्स का सीजन 3 हमें देखने को मिलेगा टीवी पर? बालवीर रिटर्न्स शो जो है वो सबसे ज्यादा डिमांड किया जाने वाला टॉपिक है एंड सबसे ज्यादा पॉपुलर शो तारक मेहता के बाद, अगर मैं कहूँ सब टीवी पर जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है वो है बालवीर। सो ऐसे में मुझे लगता है कि बालवीर रिटर्न्स का जो सीजन 3 है वो डेफिनेटली आएगा। अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में कि भाई आप इतने दावा के साथ कैसे कह सकते हो कि बालवीर रिटर्न्स का सीजन 3 आएगा। वेल, सबसे पहली बात कि ऑडियंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी लार्ज ऑडियंस है बालवीर रिटर्न्स की एंड बहुत टाइम पहले भी, और जब बालवीर रिटर्न्स ऑफेयर हुआ था तब भी, बालवीर रिटर्न्स के ऑफेयर होते ही सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक ट्रेंड करने की कोशिश की थी इसके सीजन 3 को लाने के लिए एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा था। सब टीवी तक ये बात पहुंच चुकी थी कि ऑडियंस जो है वो चाहती है बालवीर रिटर्न्स के सीजन 3 को देखना, बट चूंकि रिसेंटली ही बालवीर ऑफेयर हुआ था, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ था बालवीर को ऑफेयर हुए, तो ऐसे में सब टीवी को थोड़ा सा लीप लेना था, थोड़ा सा टाइम चाहिए था क्योंकि एकदम से वो अगले सीजन को नहीं ला सकते थे, कोविड चल रहा था उस टाइम पे एंड साथ ही कुछ नए शोज जो सब टीवी को लॉन्च करने थे वो भी उनके पास थे, तो ऐसे में उन्होंने बालवीर के सीजन 3 को लॉन्च नहीं किया। बट चूंकि अभी कुछ टाइम पहले ही बड़े बड़े मीडिया पोर्टल्स ने भी ये दावा किया था कि बालवीर रिटर्न्स जो है उसकी स्टोरी लाइन पर काम स्टार्ट हो चुका है, हालांकि उसका शूट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन उसके एक्टर्स के लिए उसकी कास्ट की जो खोज है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड काफ़ी हद तक बड़े बड़े मीडिया पोर्टल्स ने ये बात कंफर्म कर दी थी कि बालवीर का जो नया सीजन है वो ज़रूर से भी ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। जिन जिन लोगों ने हमसे क्वेश्चंस किए थे हमारे कम्युनिटी टैब पर, उन सभी के क्वेश्चंस के आंसर मैं अभी देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड एंड आई रियली अपोलोजाइज कि मैं इतनी लेट ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने कॉलेज वर्क्स में और दूसरा मेरे कुछ पर्सनल वर्क्स में मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। की व्हेन इज बालवीर रिटर्न्स रिलीजिंग एंड व्हाट इज़ द टाइम स्लॉट? सो बालवीर रिटर्न्स कब रिलीज़ होगा? वेल, बालवीर रिटर्न्स को रिलीज़ होने में अभी वक्त लगेगा क्योंकि सब टीवी के पास ऑलरेडी कई सारे शोज़ हैं। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 2022 के एंड में बालवीर रिटर्न्स को आ जाना चाहिए। वेल, अगर ऐसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा अगर बालवीर 2022 के एंड तक हमें सब टीवी पर देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फैंस हैं वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बालवीर के सीज़न 3 का एंड आई गेस अच्छा ही होगा अगर 2022 तक आ जाए। बाकी मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में यानी कि अगले साल शायद, हो सकता है मार्च की बिगनिंग में हमें ये शो देखने को मिल जाए, ऐसा एक एस्टिमेट हम लगा के चल सकते हैं। बाकी अगर ऑडियंस की डिमांड यूं ही बढ़ती रही तो हो भी सकता है कि जल्द से जल्द मेकर्स जो हैं शो के सीज़न 3 पर काम स्टार्ट करें। एंड दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द टाइम स्लॉट, तो टाइम स्लॉट क्या रहने वाला है? वेल, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कभी भी बालवीर रिटर्न्स यानी कि दो सीजन्स बालवीर के आ चुके हैं ऑलरेडी एंड जब कभी भी बालवीर को लॉन्च किया गया तो सबसे बेस्ट टाइमिंग जो प्राइम टाइम स्लॉट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं एक अच्छे शो को एंड बालवीर एक बहुत ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और हाई बजट शो है, ऐसे में जो सब टीवी है वो उसको अच्छा टाइम स्लॉट प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक पहले सीजन में 8 बजे का टाइम स्लॉट प्रोवाइड किया गया था बालवीर को, उसके बाद जब दोबारा से शो आया तो 8 बजे का ही टाइम स्लॉट उसे प्रोवाइड किया गया था एंड हालांकि वो अलग बात है कि बाद में टाइम स्लॉट को चेंज कर दिया गया था और इसे 7:30 और 7 बजे की टाइम स्लॉट पर शिफ्ट कर दिया गया था। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बालवीर रिटर्न्स का सीजन 3 लॉन्च होता है तो उसकी टाइम स्लॉट रहने वाली है 8 बजे की ही, फिर चाहे वो कोई भी शो हो सब टीवी का, वो वहाँ से हट जाएगा एंड बालवीर रिटर्न्स जो है उसकी टाइम स्लॉट को ले लेगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है, दैट इज़ हु इज़ दी अनदर बालवीर आफ्टर द डेथ ऑफ देबू। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आपको कन्फर्म करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जो नया सीज़न आएगा उसमें हमें स्टोरी कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो नए सीज़न में हमेशा ही, अगर आप देखेंगे ज़्यादातर शोज़ के अगर आप सीक्वल्स देखेंगे तो उनमें आपको नई स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, नई कास्ट देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि जो स्टोरी है वो कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी। मतलब देबू की डेथ के बाद बालवीर कौन होगा?
अब बालवीर को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि बालवीर का जो रोल है वो प्ले कौन करने वाला है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस जो है वो कन्फ्यूज़ है कि देव जोशी मिलेंगे देखने को या फिर कोई हमें नया एक्टर देखने को मिलेगा। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, बालवीर एक बच्चों का शो है एंड उसमें जो है एक मेन लीड एक्टर के लिए उन्हें एक 15-16 साल का बच्चा ही चाहिए, एक बच्चा चाहिए जो कि उस कैरेक्टर को प्ले कर सके। हालांकि जो देव जोशी है वो काफ़ी लंबे समय से बालवीर के रोल को प्ले करते हुए आ रहे थे एंड वो ऑडियंस के दिल में कुछ इस तरीके से समा चुके हैं कि उन्हें रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि बालवीर रिटर्न्स में, यानी कि जब बालवीर का सीज़न 2 आया था तब एक नया फेस दिखाया गया था, यानी कि वंश सयानी को एज बालवीर बनाया गया था, छोटे बालवीर के रूप में दिखाया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके देव जोशी को पूरे तरीके से शो से रिप्लेस कर दिया जाएगा। हो सकता है उनका थोड़ा बहुत रोल दिखा दिया जाए, बट नए बालवीर के लिए वो डेफिनेटली नए एक्टर को ढूंढ रहे होंगे क्योंकि देव जोशी जो है उनकी एज बढ़ रही है एंड मुझे ऐसा लगता है कि कम एज के एक्टर्स ही बालवीर के लिए परफेक्ट होंगे। हालांकि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहने वाली है अगर ऐसा कुछ होता है, अगर देव जोशी हमें देखने को नहीं मिलेंगे तो ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी, बट टाइम के साथ साथ हम लोग आदत पड़ जाएंगे नए बालवीर को देखने की। कि मेरा पर्सनल व्यू है कि भाई बालवीर यानी कि देव जोशी के रोल को पूरे तरीके से खत्म ना किया जाए शो से, क्योंकि बालवीर शो में सभी ने देव जोशी को ही बालवीर बनते हुए देखा है एंड ऑडियंस जो है अपने पुराने कैरेक्टर्स के साथ उनके साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाती है, मेंटली अटैच्ड हो जाती है, जिससे कि वो उन्हीं एक्टर्स को देखना पसंद करती है जो कि उन्होंने पहले देखे थे। बट हमें डेफिनेटली नए एक्टर्स को भी चांस देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगला सवाल हमसे है कि व्हेन द बालवीर शूटिंग गोइंग टू स्टार्ट एंड एट विच ईयर इज गोइंग टू कम, व्हाट इज़ द मंथ ऑफ लॉन्चिंग द शो। एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, हालांकि मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अगर ज़्यादा डिमांड रहती है तो इस साल के एंड तक या फिर हो सकता है कि आपको अगले साल देखने को मिले। बाकी आप लोग की डिमांड पर डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी ज़्यादा है बालवीर की। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बालवीर रिटर्न्स में एक बड़ी फैमिली होगी जैसे कि बाकी टीवी सीरियल्स में होता है? बड़ी फैमिली यार, जिस तरीके से 2 सीजन्स हमने देखे हैं बालवीर के, उसमें ज़्यादा बड़ी फैमिली तो हमें देखने को नहीं मिली है। हाँ, जैसे कि पहले सीज़न में हमें मानव मेहर की फैमिली देखने को मिली थी जिसमें कि 7 सच्चों का परिवार एक साथ रहता था एंड अगले सीज़न में जो है कुछ इसी तरीके से एक फैमिली देखने को मिली थी। सो काफ़ी ज़्यादा सिमिलियर था, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट सीज़न में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। आई डोंट थिंक सो कि बड़ी फैमिली होगी, जॉइंट फैमिली होगी, ऐसा कुछ होगा, नॉर्मली होने वाला है। बाकी डेफिनेटली जो कास्ट होने वाली है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आपको देखने को मिलने वाली है, ये चीज़ कन्फर्म है। सो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा ऋषभ भारद्वाज ने। सो इनका कहना है कि तेनालीरामा का सीज़न 2 कब आएगा? तो तेनालीरामा का सीज़न 2, ये बालवीर रिटर्न्स की रिगार्डिंग वीडियो है, उस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं। सो अगली वीडियो में बात करते हैं उसके बारे में। अब एक और क्वेश्चन है हमारे सब्सक्राइबर का, क्या सीज़न 3 में काल को दिखाया जाएगा? वेल, मैं ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में कि बालवीर रिटर्न्स के जो नए सीज़न होगा उसमें हमें हो सकता है 70-80% चांसेस हैं कि जो स्टोरी है हमें कंटिन्यू होती हुई नज़र ना आए, हमें एक नई स्टोरी देखने को मिले और नए एक्टर्स देखने को मिले स्टोरी, क्योंकि स्टोरी के कंटिन्यू होना मुझे नहीं लगता कि ऐसा मेकर्स कुछ कर रहे होंगे कि स्टोरी को वो कंटिन्यू करेंगे। एक रिफ्रेश्ड स्टोरी लाइन होगी अगले सीज़न में डेफिनेटली, तो मुझे नहीं लगता कि काल को फिर से दिखाया जाएगा, उसकी काल वाली जो स्टोरी थी उसको कंटिन्यू किया जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, देव जोशी का मोबाइल नंबर मिलेगा? भाई उनसे बात करना चाहता हूँ। भाई भाई मैं क्या ही आंसर दूँ इसका। अब देखो भाई, अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कैसे करें, वो तो इतने बड़े टीवी सेलिब्रिटी, हमारा मैसेज वो देखेंगे भी नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मैसेज नहीं देखते अपने व्यूवर्स का, हालांकि वो सबका मैसेज नहीं देख सकते, बट आप एक कोशिश कर सकते हो। नंबर मेरे पास ऑब्वियसली नहीं है उनका, तो आप एक काम कर सकते हो, आप उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हो सकता है कि वो आपका मैसेज सीन कर ले एंड आपको रिप्लाई कर दें, तो वहाँ आप उनसे बात कर सकते हो। डेफिनेटली जो एक्टर्स होते हैं वो भी भाई अपने अकाउंट को चेक करते हैं, उन्हें भी वो भी कंसर्न्ड होते हैं अब अपने व्यूवर्स के, अपने फैंस के मैसेजेस के लिए, तो डेफिनेटली आपको इंस्टाग्राम पे ट्राई करना चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब अगला क्वेश्चन ये है कि बालवीर रिटर्न्स का फर्स्ट टीजर सब टीवी लॉन्च कब करेगा एंड किस मंथ किस डेट में हमें बालवीर रिटर्न्स सीजन 3 देखने को मिलेगा। वेल बात करी जाए इसके ट्रेलर की, तो ट्रेलर को दो तीन महीने पहले ही हो सकता है कि 2-3 महीने पहले आपको एक टीज़र प्रोमो, छोटा सा टीज़र प्रोमो जैसे कि स्टार्टिंग में पहले लॉन्च किया गया था, एक छोटा सा टीज़र आपको देखने को मिल जाए बालवीर का। इसके बाद धीरे धीरे आपको फुल प्रोमो देखने को मिलेगा, उसके बाद लॉन्चिंग डेट देखने को मिलेगी। सो अभी ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है गाइज, मैं फिर से चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। जितना हो सके आप सब टीवी को कमेंट कीजिए, उन्हें बताइए कि यू वांट बालवीर रिटर्न्स सीज़न 3, तो जिससे कि जो सब टीवी है वो जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करे। हालांकि अभी कुछ रूमर्स ऐसे आ रहे थे कि सब टीवी जो है वो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर चुका है एंड इज़ लुकिंग फॉर कास्ट एंड एक्टर्स। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। तो जितना हो सके आप लोग सब टीवी को कमेंट कीजिए, उनके सोशल मीडिया पर जाइए, उनकी पोस्ट पर कमेंट कीजिए, उनके वीडियोस पर कमेंट कीजिएगा, जिससे सब टीवी को एहसास हो सके कि भाई हाँ हमें बालवीर को वापस लाना है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, दैट इज़ विल बाल परी बी देयर इन द सीज़न 3। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि बाल परी जो एक बहुत ही मेन कैरेक्टर था शो में, फर्स्ट सीज़न में भी और सेकंड सीज़न में भी, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है बाल परी देखने को मिलेंगी, क्योंकि बाल परी का कैरेक्टर जो है वो बालवीर की माँ का कैरेक्टर है एंड काफ़ी ज़्यादा मेन कैरेक्टर है। दूसरे सीज़न में तो हमें वो परीज जो जितनी भी फेरीज थी उन सभी की लीडर देखने को मिली थी एंड शर्मिली राज जो है बालवीर के बाद आई डोंट थिंक सो कि वो कहीं भी किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर अभी काम लगी हुई हैं, वो फ्री हैं ऑलमोस्ट। अगर बालवीर के सीज़न 3 को लॉन्च किया जाता है देन डेफिनेटली शर्मिली राज यानी कि बाल परी का कैरेक्टर आपको देखने को ज़रूर मिलने वाला है। बाकी दूसरी फेरीज का कैरेक्टर जो है वो कन्फर्म नहीं है कि दूसरी फेरीज भी आपको देखने को मिले, वहीं सेम एक्टर्स एक्ट्रेसेस आपको देखने को मिले, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि जो बालवीर का फर्स्ट सीज़न था ना उसमें हमने एक अलग तरीके का जो फेरी लैंड था, जो परी लोग था वो देखने को मिला था। अगली बार हमें दूसरा देखने को मिला था जहाँ ऑलमोस्ट सभी जो फेरीज थी वो चेंज्ड मिली थी एक्सेप्ट बाल परी को छोड़ के। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विल रानी परी बी देयर इन द शो। भाई बालवीर के जो मेकर्स हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ता है जब वो किसी बड़े एक्टर को या फिर एक्ट्रेसेस को हायर करते हैं। अब शो में ऑलरेडी देव जोशी जैसे, वंश सयानी जैसे एक्टर्स होंगे और शर्मिली राज जैसे एक्ट्रेसेस होंगी और भाई काफ़ी ज़्यादा खर्चा इतना करेंगे एंड ऐसे में अगर वो रानी परी को भी हायर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको इतना अच्छा खासा पे कर पाएंगे, क्योंकि जो बड़े एक्ट्रेसेस होते हैं जैसे कि फर्स्ट सीज़न में जो करिश्मा तन्ना थी उन्होंने एज रानी परी प्ले किया था एंड उनको काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरी पे की जाती थी। आफ्टर बालवीर जहाँ तक मुझे पता है बालवीर के कैरेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा जो पेड कैरेक्टर है वो विलन का और जो रानी परी है उनका होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सब टीवी है अगर रानी परी को लेकर के आता है तो बाल परी का हो सकता है कैरेक्टर आपको देखने को ना मिले, क्योंकि हो सकता है इतना मेकर्स पे ना कर पाए उनको। बट डेफिनेटली कुछ चांसेस हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि दे वॉन्टेड टू वॉच रानी परी इन द नेक्स्ट सीज़न, द सीज़न 3। सो आई थिंक 50-50 है, हो भी सकता है आपको रानी परी का कैरेक्टर देखने को मिल जाए, बट लास्ट सीज़न को देख करके मुझे नहीं लगता कि उनका कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू यू वांट हर कैरेक्टर बैक इन सीज़न 3 और नॉट, लेट मी नो। अच्छा तो ये तो था बालवीर रिटर्न्स के रिगार्डिंग वीडियो। अगर आप लोग पाना चाहते हैं बालवीर रिटर्न्स सब टीवी और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई अपडेट्स दैन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप लोग की क्या राय है बालवीर रिटर्न्स के सीजन 3 को लेकर, हाउ मच गाइज यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देन कीप वॉचिंग टेलीरेंगर्स एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।